यूपी में नाटक अब नहीं चलेगा, क्योंकि योगी हैं तो मुमकिन है। पीएफआई के जिन लोगों को पकड़ा है वो यूपी पुलिस के सामने अब पटर पटर बोल रहे हैं। आखिर उनकी प्लानिंग क्या थी, इस खबर में आपको देख लेना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। योगी ने ठान लिया है ऐसे संगठनों का खेल अब खत्म करेंगे। सीए के विरोध की आड़ में हिंसा फैलाने का काम करने वाले पीएफआई का खेल अब खत्म हो चुका है। इस बार पीएफआई संगठन ने देश प्रदेश को दहलाने की साजिश रची थी। पहली बार उसका आतंकी चेहरा सामने आया। वसंत पंचमी के आसपास लखनऊ में होने वाले हिंदू संगठनों के कार्यक्रमों व महत्वपूर्ण स्थलों पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पीएफआई के दो आतंकी केरल से लखनऊ पहुंच गए थे, लेकिन वो अपने खौफनाक मंसूबों को पूरा नहीं कर पाए। उससे पहले ही स्पेशल टास्क फोर्स ने दोनों को दबोच लिया। एसटीएफ ने विस्फोटक व हथियार बरामद कर आतंकी हमले की साजिश को भी नाकाम कर दिया। पीएफआई के निशाने पर कई बड़े नेता थे। उनका मकसद देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुवादी संगठनों के नेताओं की सीरियल किलिंग भी था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इन युवकों के मंसूबों को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को पीएफआई का स्थापना दिवस है, इसलिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इन दोनों के पास से एसटीएफ ने ट्रेन के 12 टिकट बरामद किए हैं। इस संगठन के लोग प्रदेश में कई जगहों पर फैल चुके हैं और उनकी तलाश की जा रही है। लखनऊ में पीएफआई के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम अंसद और फिरोज है। इनके पास से उच्च कोटि के विस्फोटक डिवाइस, एक्सप्लोसिव डिटोनेटर और कुछ तार, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, प्लस इनके पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ पेन ड्राइव और रेलवे टिकट बरामद हुए। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने ये बताया कि ये लोग रेलवे से ट्रेवल कर रहे थे और 11 तारीख को ये ट्रेवल कर रहे थे। हमारे पास पहले से सूचना थी कि इस तरह का मूवमेंट होने वाला है। हम लोग लगातार इसकी निगरानी में लगे थे और आज इनकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। प्रशांत कुमार ने तो यह भी बताया कि हाथरस में भी जातीय हिंसा फैलाने में पीएफआई का नाम सामने आया था। यूपी में बीते एक साल में पीएफआई के लगभग 123 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएफआई का मंसूबा ना सिर्फ प्रदेश का अमन चैन को बिगाड़ना है, बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने का मंसूबा भी है। हिंदू नेता संगठन और मंदिर उनके निशाने पर थे। पुलिस ने बताया कि इनके निशाने पर यूपी के हिंदू नेता और मंदिर थे। दोनों आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, साथ में डेटोनेटर और चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिले हैं। इन दोनों का संबंध पीएफआई से बताया गया है। अब देखना होगा आगे और क्या कुछ बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी थी उसके बाद इनका खेल खत्म हो गया और अब तो हर दिन ये खुलासे करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पुलिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार काम किया है। और साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाकी से करते रहेंगे। नमस्कार।